पृथ्वी पर मौजूद हर जीव जंतु दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखता है। सीधी सी बात है कि ऐसा इवोल्यूशन की वजह से है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये बताती है कि एक जीव अपने एनवायरमेंट के हिसाब से विकसित होता है। चार्ल्स डार्विन, जिन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, ने बताया था कि प्रकृति जीव जंतुओं से उन फीचर्स को छीन लेती है जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ उनमें धीरे धीरे ऐसे फीचर्स ऐड होते जाते हैं जिनसे उनके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ते हैं। आंखों को इवोल्यूशन का सबसे बड़ा करिश्मा कहा जा सकता है, क्योंकि इनके जरिए ही हम अपनी बाहरी दुनिया को देख पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले पाते हैं। हर जानवर की आंखें बाहर से देखने में भले ही एक जैसी हों, लेकिन वह किस तरह से दुनिया को देखते हैं यह सभी में कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अब हम अपनी आंखों को हटाकर उनकी आंखें तो अपने अंदर फिट नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो के जरिए हम आपको दुनिया के उस वर्जन को जरूर दिखा सकते हैं जो उन जानवरों को दिखाई देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कई सारे जानवरों की नजरों से दुनिया दिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। हॉर्सेस, घोड़े बहुत ही स्पेशल तरह के जानवर होते हैं। देखने में भले ही यह खतरनाक और जानलेवा लगे, लेकिन इनकी दोस्ती इंसानों से बहुत जल्दी हो जाती है। घोड़े दौड़ने और छलांग मारने में माहिर होते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के अलग अलग कोनों में हॉर्स रेसेस और कई सारे दूसरे हॉर्स इवेंट्स कराए जाते हैं। देखने में इनकी आंखें भले ही हम इंसानों जैसी लगें, लेकिन फंक्शनिंग के मामले में ये हमसे बहुत ज्यादा अलग होती हैं। घोड़ों की आंखें उनके चेहरे के साइड पर मौजूद होती हैं, जिस वजह से उन्हें एक वाइड विजन मिल पाता है। इस वजह से वह अपने साइड और पीछे का ऑलमोस्ट सारा हिस्सा क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन इस एडवांटेज के होने के साथ साथ उनके पास एक डिसएडवांटेज भी होता है, और वो है सामने की चीजों को क्लियरली ना देख पाना। घोड़े ऐसे एनवायरनमेंट में विकसित हुए हैं जहां पर एक वाइड विजन का होना सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर घोड़ों की आंखें ऐसी ना होती तो उनके लिए अपने प्रीडेटर्स से बच पाना नामुमकिन हो जाता। व्हाट कलर्स डू हॉर्सेस सी? आंखों के एंगल के अलावा घोड़ों की आंखों में एक और बहुत डिफरेंट चीज होती है। हम इंसान दुनिया को विभिन्न रंगों में देखते हैं, लेकिन घोड़े इस दुनिया को मात्र ग्रे, पीले और नीले रंगों के शेड्स में ही देख पाते हैं। इन जानवरों का नाइट विजन भी हम इंसानों के मुकाबले बहुत अच्छा होता है। इनकी आंखों में मौजूद प्यूपल्स बहुत बड़े होते हैं जो लाइट को ज्यादा मात्रा में कैच कर पाते हैं। घोड़ों के लिए नाइट स्काई देखना भी बहुत आसान होता है, जिस वजह से उनको हम इंसानों से भी ज्यादा तारे दिखाई देते हैं। स्नेक्स, चीजों को देखने के मामले में सांप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर होता है। हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग तरह की वेव्स होती हैं, जिन्हें उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बांटा जाता है। जहां रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वहीं गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि कम वेवलेंथ का होना ज्यादा एनर्जी को दर्शाता है। हम इंसान इस दुनिया को विजुअल स्पेक्ट्रम में देखते हैं, जब सूर्य से आने वाली विजुअल लाइट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। कोन्स, रॉड्स एंड इंफ्रारेड रिसेप्टर्स ऑफ स्नेक्स। सांप इस दुनिया को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। नॉर्मली इन्हें हर चीज ग्रे कलर की दिखाई देती है। हमारी आंखों में लाइट को डिटेक्ट करने के लिए मुख्यतः दो तरह के सेल होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स। कोन्स ब्राइट चीजों को देखने और कलर्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, वहीं रॉड्स रात के अंधेरे में देखने के लिए काम आते हैं। सांप की आंखों में कोन्स की संख्या बहुत कम होती है, जिस वजह से ब्राइट चीजों को देखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कुछ सांप इंफ्रारेड लाइट में भी देखने के काबिल होते हैं, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बोआज एंड पाइथन्स जैसे स्नेक्स के पास हीट को डिटेक्ट करने के रिसेप्टर्स होते हैं। इनके जरिए वे आसपास मौजूद चीजों के तापमान को देख पाते हैं। जिस भी चीज का तापमान ज्यादा होता है, वह उन्हें नारंगी, लाल और पीले रंग में दिखाई देती है। वहीं पिंक, ब्लू और पर्पल कलर को देखकर वह ठंडी चीजों को डिटेक्ट कर पाते हैं। नाइट विजन ऑफ स्नेक्स। सांपों का नाइट विजन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वह दूर की चीजों पर सही से फोकस नहीं कर पाते। यही कारण है कि उन्हें रात के आसमान में कोई भी तारे नहीं दिखाई देते। स्नेक्स रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, जो हम इंसानों के मुकाबले काफी अलग होते हैं। इनके पूरे शरीर में अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो इन्हें अपने वातावरण को समझने में मदद करते हैं। बर्ड्स, पक्षी कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन इन सभी की विजन हम इंसानों के मुकाबले बहुत अच्छी होती है। जहां हम इंसान सिर्फ विजुअल स्पेक्ट्रम की लाइट को ही देख पाते हैं, वहीं ज्यादातर बर्ड्स अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देखने में सक्षम होती हैं।
इससे उन्हें दुनिया का एक बहुत ही अलग व्यू मिलता है, जो उन्हें शिकारियों से बचने और शिकार को ढूंढने में मदद करता है। कुछ पक्षियों की आंखों में इंसानों के मुकाबले ज्यादा कोन सेल्स होते हैं, यही कारण है कि वह हमसे भी ज्यादा रंगों को अपने वातावरण में देख पाती हैं। बिनोक्यूलर विजन। कुछ पक्षियों के पास बिनोक्यूलर विजन भी होता है, जो उन्हें डेप्थ को अच्छे से देखने में मदद करता है। ईगल्स और हॉक्स जैसे पक्षियों के पास ऐसी बिनोक्यूलर विजन वाली आंखें होती हैं, जो उन्हें एक मील दूर से भी छोटे छोटे जीवों को देखने में हेल्प करती हैं। यही कारण है कि चील और बाज आसमान में उड़ते हुए चूहे जैसे छोटे जानवरों को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। वाई कांट यू कैच बर्ड्स इजिली। पक्षी मोशन को भी बहुत तेजी से डिटेक्ट कर पाते हैं, जिस वजह से खतरों से बचना उनके लिए बहुत आसान होता है। आपने कभी ना कभी अपने घर पर आने वाली बर्ड्स को पकड़ने की कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन ज्यादातर आपको असफलता ही हाथ लगी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पक्षी अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमसे भी ज्यादा अवेयर रहते हैं। फास्ट मोशन डिटेक्शन के साथ साथ उनके पास एक वाइड एंगल विजन भी होता है, जिससे उनको चारों तरफ की चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। अमेजिंग नाइट विजन ऑफ बर्ड्स। जहाँ कुछ पक्षियों के पास कोन सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है, वहीं दूसरे पक्षी रात के अंधेरे में ज्यादा क्लैरिटी से देख पाते हैं। रॉड सेल्स की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन्हें रात के आसमान में इंसानों से भी ज्यादा तारे दिखाई देते हैं। ऐसे पक्षी का सबसे अच्छा उदाहरण है उल्लू। बर्ड किंगडम में सबसे अच्छा नाइट विजन उल्लुओं का ही माना जाता है। यह हम इंसानों के मुकाबले रात में 35 से 100 गुना ज्यादा क्लियरली देख पाते हैं। आउल्स की आंखें हम इंसानों की आंखों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, जिस वजह से यह छोटी से छोटी लाइट को भी बहुत अच्छे से देख पाते हैं। हमारी पृथ्वी के आसमान में अरबों तारे दिखाई देते हैं, लेकिन कौन सा जीव कितने तारों को देख पाएगा, यह उसकी आंखों पर डिपेंड करता है। जहां हम इंसान पृथ्वी के आसमान में करीब 6000 तारों को देख सकते हैं, वहीं एक उल्लू को 10 लाख तारे क्लियरली दिखाई देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतने सारे तारों को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप्स की जरूरत पड़ती है। वहीं एक उल्लू अपनी मामूली आंखों से ही रात के आसमान का इतना अच्छा नजारा देख लेता है। बर्ड्स दैट यूज स्टार्स एज अ मैप्स। ऐसे ही कुछ पक्षी आसमान में मौजूद तारों का इस्तेमाल करके अपने रास्तों को डिसाइड करते हैं। आपने अपनी छोटी क्लासेस में माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ऐसे किस्म के पक्षी होते हैं जो मौसम बदलने के साथ साथ अपने हैबिटेट यानी रहने की जगह को भी चेंज कर देते हैं। जब यह पक्षी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो यह तारों का सहारा लेकर ही सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आसमान में मौजूद तारे इनके लिए बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह काम करते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड तक को डिटेक्ट कर लेती है। वह इस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ही अपना रास्ता तय करती है और हर साल अपनी जगह को चेंज करती रहती है। कुछ पक्षियों को दुनिया मात्र एक सिंगल कलर में दिखाई देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्पैरो यानी गौरैया। एक स्पैरो को हर चीज पिंक और उसके ब्राइट एंड डार्क शेड्स में दिखाई देती है। वाइड विजन और फास्ट मोशन डिटेक्शन के चलते यह चिड़िया बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, जिस वजह से इन्हें पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कैट्स। बिल्लियां वैसे तो हम इंसानों की तरह मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन इनकी विजन हमारे मुकाबले बहुत ही अलग होती है। बिल्लियां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजुअल पोर्शन के साथ साथ अल्ट्रावायलेट पोर्शन को भी देख पाती हैं। इनकी रेटिना में इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा रॉड सेल्स होते हैं, यही कारण है कि बिल्लियों का नाइट विजन हमारे मुकाबले 6 गुना ज्यादा क्लियर होता है। बिल्लियां चीजों को ब्लू ब्राउन और येलो शेड्स में ही देख पाती हैं, जिससे इन्हें शिकार करने में काफी आसानी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्लियों को लाल रंग नहीं दिखाई देता। स्क्रीन पर दिखने वाली तस्वीर में आप इंसानों और बिल्लियों के कलर विजन में अंतर को देख सकते हैं। कई मैमल्स की तरह बिल्लियां भी रात के आसमान में तारों को क्लियरली देख पाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को देखने की क्षमता की वजह से इन्हें हमसे भी ज्यादा तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वह कौन सा जानवर होगा जिसे रात के आसमान का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता होगा? An animal that can see rings of Saturn with just its eyes, pronghorn antelope. Animal kingdom में सबसे अच्छी विजन होने का खिताब इस जानवर को दिया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इस जानवर के पास 300 डिग्री विजन होता है, यानी यह अपने आसपास मौजूद ऑलमोस्ट हर चीज को एक ही समय पर देख पाता है। इसकी काली आंखें इसकी बॉडी साइज के हिसाब से बहुत बड़ी होती हैं, जिस वजह से यह ज्यादा से ज्यादा लाइट को अपने वातावरण से कलेक्ट कर पाता है। ज्यादा लाइट को कलेक्ट करने का सीधा मतलब है कि इसकी नजरें हम इंसानों के मुकाबले बहुत अच्छी होती हैं। 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला यह जानवर शनि के रिंग्स तक को देखने की कैपेबिलिटी रखता है।
प्रोंगहॉर्न की आंखों में 10x मैग्निफिकेशन होता है, यानी यह चीजों को 10 गुना जूम करके देख पाता है। एक क्लियर नाइट स्काई में इसे शनि की रिंग्स तक दिखाई देती है, जो एक बहुत ही अमेजिंग बात है। लेकिन इससे भी अमेजिंग बात यह है कि हमारे एनिमल किंगडम में प्रोंगहॉर्न से भी अच्छी नजरों वाले जानवर प्रेजेंट हैं। मैंटिस श्रिम्प। वैसे तो यह जीव हमेशा जमीन के अंदर ही घुसा रहता है, लेकिन इसकी लो लाइट विजन बहुत ही अच्छी होती है। मैंटिस श्रिम्प समुद्री इलाकों में पाया जाता है और इसकी आंखें बहुत ही अनोखी होती हैं। विजिबल लाइट के साथ साथ यह अल्ट्रावायलेट लाइट को भी देख पाता है और इसमें पोलराइज्ड लाइट को भी देखने की क्षमता होती है। पोलराइज्ड लाइट, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि पोलराइज्ड लाइट प्रकाश का एक फिल्टर्ड रूप होती है। जब भी हम किसी ब्राइट चीज को देखते हैं तो उसके आसपास एक हेलो दिखाई देता है जो कम इंटेंसिटी वाले प्रकाश से बना होता है, लेकिन पोलराइज्ड लाइट में हमें सिर्फ वही प्रकाश दिखाई देता है जो बहुत ब्राइट हो। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप नॉर्मल लाइट और पोलराइज्ड लाइट में अंतर को देख सकते हैं। यूनिक आईज ऑफ मैंटिस श्रिम्प। मैंटिस श्रिम्प के पास 12 तरह के प्राइमरी कलर रिसेप्टर होते हैं जो इसकी दुनिया को और भी ज्यादा रंगीन बना देते हैं। एक कंपैरिजन के लिए बता दूं कि हम इंसानों के पास मात्र 3 कलर रिसेप्टर होते हैं, वहीं एक कबूतर के पास पेंटाक्रोमेटिक विजन होता है, यानी उसकी आंखों में 5 कलर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इन रिसेप्टर्स की मदद से वह 10 अरब रंगों को बिल्कुल क्लियरली देख पाता है। ट्राइनोक्यूलर विजन, जहां हम इंसानों के पास बिनोक्यूलर विजन होता है, यानी हम चीजों को देखने के लिए 2 नजरों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं मैंटिस श्रिम्प के पास 3 आंखें होती हैं, यानी वह इस दुनिया को ट्राइनोक्यूलर विजन में देखता है। आंखों में इतने सारे फीचर्स और खूबियां होने की वजह से अगर मैंटिस को रात का आसमान दिखाया जाए तो उसे करोड़ों तारे दिखाई देंगे। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप एक रेड जाइंट तारे की स्टार डस्ट को देख रहे हैं। इस तारे का नाम है मीरा और यह हमारी ही गैलेक्सी में मौजूद है। जैसे जैसे यह तारा अंतरिक्ष में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे यह डस्ट और गैस की एक पूंछ को अपने पीछे छोड़ता जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गैस और डस्ट इतनी डेंस होती है कि इससे दूसरे छोटे तारों का भी निर्माण हो सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से अल्ट्रावायलेट लाइट ब्लॉक ना होती तो मैंटिस श्रिम्प को आसमान में कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई देता। अब भले ही इस जीव की नजरें बहुत अच्छी हों, लेकिन हमारे एनिमल किंगडम में इससे भी ज्यादा क्लियर नाइट स्काई को देखने वाला एक जीव मौजूद है। एनिमल विद द बेस्ट नाइट विजन, द लीफ टील्ड गेको। इस नोकचर्नल एनिमल की आंखों में मौजूद कॉर्न्स का साइज बहुत विशाल होता है, इस वजह से यह रंगों और ब्राइट चीजों को एक्स्ट्रा ब्राइट रूप में देख पाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि नॉक्चर्नल एनिमल ऐसे जानवर होते हैं जो रात में ही देखने और शिकार करने के लिए विकसित हुए होते हैं। इनकी लो लाइट विजन कई बार हमारी डे लाइट विजन से भी अच्छी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इंसानों को आसमान में करीब 6000 तारे दिखाई देते हैं, वहीं एक लेवल ऊपर बढ़कर उल्लू क्लियर नाइट स्काई में 10 लाख तारों को देख पाता है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि लीफ टेल्ड गेको की विजन हम इंसानों के मुकाबले 350 गुना ज्यादा क्लियर होती है। उन्हें रात के आसमान में इतने तारे दिखाई देते हैं जितना हम इंसान अपने सपने में भी सोच नहीं सकते। कंपैरिजन, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप ह्यूमन विजन एंड गेको की विजन में अंतर को देख सकते हैं। जहां हम इंसानों को इतने तारे दिखाई देते हैं, वहीं एक लीफ टेल्ड गेको रात के आसमान को बिल्कुल एक चमकते हुए हीरे की तरह देख पाता है। वैसे अगर आपको अपनी आंखें किसी दूसरे जानवर की आंखों से रिप्लेस करनी हो तो वह कौन सा जानवर होगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।